नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ गणित की क्लास में। गणित की क्लास फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, यानी बैंकिंग के प्रतिभागियों के लिए जो हमने क्लास है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सुबह 9 बजे 9 टैबलेट्स की क्लास होती है, ठीक है, और 9:30 बजे आपको एक मॉक टेस्ट के मिल जाता है। जो वीडियो बन रहा है, जो बना अभी, जो आपके सामने दिख रहा है, इसका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। उस मॉक टेस्ट को देना है और उसके बाद तुरंत इस वीडियो को फिर देखना है, ठीक है। तो 10 बजे के लगभग ये वीडियो हो जाएगा, हो सकता है 10:15, 10:15 के बीच हो जाए। तो ये हमारा जो 9 बजे कॉपी पेन लेके बैठना है और कम से कम 11 बजे तक आपको 9 से 10, 10 से 11 के बीच में आपको मैथ्स पूरी, और इस 2 घंटे में मैं मैथ्स आपकी 101% पूरी करवा दूंगा, ठीक है, भले वो बैंकिंग क्लर्क की हो, बैंकिंग ऑफिसर की हो, ठीक है। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। और मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय मुकेश परिहार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चंस बड़े सुंदर सुंदर है और उनसे अपने को वाकिफ होना। 12 में 19 का गुणा करना, 13 में 8 का गुणा करना, 15 में 14 का गुणा करना, घटाना है, उत्तर लाना है, जय जवान। अब देखो, 19 दूना 38, 19 एकम 19 और 3 22, 228 प्लस 13 8 104 होता है, और यहाँ पे 15 में 14 गुणा करेंगे तो 210 होता है, ठीक है। इसको घटाना है तो आपको पता ही है, 228 में से 210 जाएंगे तो आपके पास 18 बटेगा, 18 में 104 जोड़ेंगे तो 122, 122 आपका उत्तर है, लगाइए और आगे बढ़िए। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अच्छी चीज़ आई है। अच्छी चीज़ क्या आई है? एक तो 19 का पहाड़ा मुझे याद है, 13 का पहाड़ा मेरे को फास्ट याद है, और किसी भी संख्या में दो अंकों की संख्या का गुणा यदि उनके बीच में डिफरेंस 1 का हो तो मैं गुणा डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब आप बताओ कैसे? देखिए, अगर मैं बोलूँ 21 में 22 का गुणा करना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा 18 में 19 का करना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा 17 में 18 का करना तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा 31 में 32 का करना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? छोटी संख्या का वर्ग करना। छोटी संख्या कितनी होती है? 21 का कितना होता है? 441। 441 में 21 जोड़ेंगे तो 462 उत्तर। 18 का कितना होता है? 324। 18 का वर्ग 324। 324 में 18 जोड़ेंगे तो 342, ठीक है, ये आपका उत्तर। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसके बाद 17 में 18 का गुणा करें तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 289 में 17 जोड़ेंगे तो 306, ये उत्तर। 31 में 32 का गुणा करेंगे तो 31 का होता है 961। 961 में 31 जोड़ेंगे तो 992 उत्तर। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? ठीक है, तो आप जितना यहां पर चीजें करेंगे, और ये सारी 9 टैबलेट्स वाला जो मैटर है उसमें मैंने चीजों को समझाया है, ठीक है, बिल्कुल। आप छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे तो आपका कारवा आसान होगा। तो यहां पे देखो, 19 दूना 38 का 8, 19 3 22, 228, 13 8 104 और उसके बाद 15 14 210। अब मैंने क्या किया जोड़ने घटाने के लिए? 228 में से 210 घटा, 18 बचा, 18 इसमें जोड़ दिया, 122 हो गया उत्तर, ठीक है। दूसरा सवाल भी फास्ट कर ही लेते हैं। देखिए यहां पे 65 में 12 का गुणा करेंगे। देखो, किसी भी संख्या में 10 का गुणा करना, 12 का गुणा करना, 10 का गुणा करना का मतलब क्या होता है? एक अंक बाद जमाना। तो 65 में 12 का गुणा करेंगे तो 65 में 10 का गुणा किया 650, और 65 दुना कितना होता है? 130। मैंने आपको बोला किसी भी संख्या का दुगना आना चाहिए आपको, तो क्या होता है? 650 में 130 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 780। 780 और यहाँ पे 54 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो यह अंडर रूट में हो गया 784, ठीक। एक बात बताऊं, ये सब उत्तर देख के पता चल जाना चाहिए। अंडर रूट में 784 का मतलब होता है 28 उत्तर है। अभी अंडर रूट 784 बराबर 28 होता है, ये आपको सोतक वर्ग याद होना चाहिए, और सोतक वर्ग हमारी जो टेबलेट है 9 टेबलेट्स, वो सारे साहब 9 टेबलेट्स के बारे में मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि वो नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। डेटा इंटरप्रिटेशन में देखोगे सर, प्लस माइनस आपका फास्ट होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए, इन दोनों को रब कर देते हैं, बोर्ड को थोड़ा हल्का कर देते हैं। भाई आपका बोर्ड हल्का हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 524 का 15% माइनस 985 का 2% क्वेश्चन मार्क, 423 का 23%। देखिए, इस सब प्रकार के सवालों को यहाँ पे करने के लिए, तो देखो 524 का 15%, किसी भी संख्या का 10% होता है एक अंक बाद दशमलव लगाना। किसी भी संख्या का 10% कितना होता है? एक अंक बाद दशमलव लगाना। और 15% होता है इसका आधा। तो देखो, 524 का 10% होगा 52.4, और 5% होगा इस 52.4 का आधा, यानी 26.2,
इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 78.6। ये आप चीजें हवा में होना चाहिए। फिर से चीजों को समझने का कोशिश करिए। देखो 524 का 52.4, 52 का 26.2, 52 और 26 कितना होता है 78.6। ये हो गया साहब 78.6। ठीक, 985 का 2%। अरे 2% का मतलब, तो देखो जब भी कोई संख्या हो उसमें एक, जैसे 985 आया, 985 में एक अंक बाद दशमलव लगाया इस कार्ड 10%, दो अंक बाद दशमलव लगाया 1%, दुगुना, दुगुना कितना होता है 85 का दुगुना होता है 170 और 9 का दुगुना होता है 18, तो 9 दुनी 18 और 1 19 19.7। क्या मेरी बात को समझ पाए साहब? ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। अगर आपसे कोई बोल दे कि 154 का 10% निकालो तो 15.4, कोई बोले कि 154 का 20% निकालो 30.8, कोई बोले कि 154 का 5% निकालो तो मैं कह रहा हूं कि 154 का मतलब 15.4 का आधा यानी 7.5, 7.5 मतलब होता है आपका पास 7.62। खत्म, ये हो गया आपका काम। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब यहां पे बचा कितना 423 का, तो एक बात बताइए ये सब उधर जाएगा तो यहां पे क्वेश्चन मार्क बचेगा, तो 423 का 30%, तो 423 का 23% कितना है, 423 का 23%। चलिए ये सॉरी सर, ये 423 का 20% होगा यहां पे, नहीं तो क्या गलत आएगा। अच्छा फिर वही 423 का अगर 20% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगाओ 10%, इसका दुगुना करो 20%, दुगुना कितना होता है 42 और 42.3 का कितना होता है 84.6, ये हो गया 84.6, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ना घटाना है। जोड़ना घटाने के लिए मैं बताऊं, इन दोनों को सबसे पहले कर लिए, क्योंकि 0.6 से 0.6 गया, 84 में से 78 गया तो 6 बचा, 6 इसमें जोड़ देंगे तो 19 और 6 कितना होता है 25, 25.7 आपका उत्तर। लगाइए और आगे बढ़िए। सब कुछ आपके पास होता है यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, पर आपके अंदर पावर होना चाहिए और रोजाना आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया। इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही देख लीजिए, देखिए ये देखो यहां पर 19 का भाग लग रहा है, तो 19 एकम 19, 3 बचा, 19 दुना 38 मतलब 12 हो गए, 12 का वर्ग होता है 144, 144 यहां पे आ चुका है, और उसके बाद यहां पे 152 गुणित 8, 8 दुनी 16, 15 8 120 और 121 यानी 1216, 1216 आपका 144 जुड़ेगा तो कितना होगा 1360 और लगाया और आगे बढ़ा। क्या आपके पास चीजें हो पाई है? कितना आसान सा क्वेश्चन है, इन चीजों को तो हवा में करने की कोशिश करिए। फिर से देखो 228 बाकी 19, 19 से 19 दुना 38 का 12 का वर्ग 144 लिखा, 152 8 कितना होता है तो 152 8 8 दुनी 16 15 1216 1216 144 में जुड़ा कितना हो 1360। क्या आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को? कोशिश करिए, ध्यान रखिएगा, मजा आएगा इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को तो देख के मेरे मुंह में वो जो जलेबी को देख के मिठास आती है ना, वैसी आ रही है। ठीक है, 1521 का होता है 39 और 225 का होता है 15 और 39 और 15 कितने होते हैं बताइए, जो होते हैं 54। लगाइए और आगे बढ़िए। पांचवे का उत्तर कौन सा है? तीसरा। ठीक है, ये आपके पास उत्तर हो चुके हैं, ये आपके पास पांच। भाई पांच सवाल कर लिए, बहुत ही छोटा सा सेशन और मजा आ गया होगा आपको भी, है ना। क्वेश्चन नंबर ये, हाँ भाई साहब इसको ऐसा बोल रहे हो कि उसको कोई, देखिए 38.734 8.66 जब भी दशमलव वाली जोड़ घटाव आए तो दशमलव के बाद अंकों का समान होना जरूरी है और अधिकतम रखिए, यहाँ तीन है यहाँ तीन है तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, बस कर लीजिए कर लीजिए। अब ऐसे पांच सवाल हम 20 सेकंड में करते हैं, यहाँ पे एक संख्या एक अंक और बढ़ चुका है तो हो सकता है 10 सेकंड में हो जाए, 10 सेकंड में हो जाएंगे सारे सवाल। देखो अब इसको करिए, देखो 0 8 12 दो बचा, उसके बाद कितना हो गया एक हसिल का आया, वो हसिल का आया प्लस का आया तो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, 8 यहाँ 5 हो गया, 5 और 3 8 और यहाँ पे कितना आ रहा है 82 केवल इसी में है और ये लगाइए और आगे बढ़िए। चार ही ऑप्शन देखे थे, ऑप्शन हमने नन ऑफ दिस लिखा ही नहीं, इसका मतलब होता है कौन सा उत्तर, यही उत्तर है। क्यों करूंगा मैं ज्यादा, क्यों
मेरे को ज्यादा करने के ज्यादा नंबर मिलेंगे क्या? नंबर तो एक ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, मैंने आपको पावर वाली बताया था, यहां पे 7 की घात कितने हैं क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जहां से भी 7 की घात मिलती है उनको जोड़ घटा लीजिए। अब देखो x की पावर m और x की पावर n तो घाते होती है, जुड़ती है। x की पावर m भागित x की पावर n घाते घटती है, ठीक। और घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है। बस हो गया काम, ये सारी चीजें लिख लीजिए नोट डाउन करके। देखिए 7 की घात 8.9, तो मैंने लिख दिया 8.9, घाते हैं सबके, ठीक। ये 7 तो चल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे भागित है, तो भागित 343 कितना होता है? क्यूब रूट याद होना चाहिए सब। 7 की घात 3 तो 17 51 मतलब होता है -5.1। क्यों? क्योंकि नीचे बट्टे में आ जाएंगे तो 17 51। अरे समझ में आया कि नहीं आया? 7 की घात 3 और ऊपर है 1.7, इन दोनों का गुणा 17 51 होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो यहां पे कितना है? 7 की घात 2। 2 मतलब होता है 48 में 2 का 48 दुना होता है 96 का मतलब होता है प्लस में आएगा 9.6। बस इन सबको जोड़ घटाओ उत्तर। साहब यही करना पड़ेगा आपको, तभी तो उत्तर आएंगे, नहीं तो आएंगे कैसे? चलिए समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब देखो उत्तर देखो इसका। अरे भाई अब जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, 96, 51 और 89 को जोड़ना है। तो अब एक बात बताओ, 96 और 89 जोड़ोगे तो कितना हो? 4 और हो गया तो 185 हो गया। 185 में से 51 जाएंगे तो बचेंगे 134 उत्तर। हो गया काम, कहीं कुछ नहीं करना है। फिर भी आपको लगता सर मेरे को तो ऐसा नहीं करना, तो ये होगा 6, ये हो गया 5, 5 प्लस के 9 5 14, एक हासिल का बचा 10 हो गया, और यहाँ 5 और 8 और 5 13.4 उत्तर। जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ये सारी पॉलिसी अगर जब तक, अब इसी सवाल को फिर से समझो, अब परीक्षा में आया तो क्या हो गया? यहाँ पे 7 8.9, उसके बाद 7 की घात 3 17 51 -5.1 और यहाँ पे प्लस 4.8 मतलब 9.6। बस इसी को करेंगे अपन, यही सवाल है सर। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे वहां पे? पूरा एलोबोरेट करेंगे क्या पूरा? ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये ऐसे ही से अंडर रूट वाले आते हैं ना, तो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि सब याद है मेरे को। ये 512, ये 512 होता है 8, ये 16 का चतुर्थ घात निकालना है तो इसका मतलब होता है 2। भाई 16 का ऐसे टुकड़े करो कि 4 बार करने पर 16 है, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 2, जैसे मैं 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस 576, ठीक। और 576 तो 8 और 2 कितना होता है? अरे 8/2 कितना होता है? ये यहाँ पे शायद थोड़ा सा गलती है क्या, चलो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 48, ये यहाँ पे ना ये ऐसा लिखा हुआ है, ये मेरे को उत्तर ही नहीं आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा इसमें। चलो 8/2 फिर से मजा आएगा। ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2, प्लस 576 कितना होता है 24, 2 4 8 24 और 4 28, 28 और कोई दिख नहीं रहा, ये उत्तर नन ऑफ दिस इसका उत्तर है। आया अब बढ़िया, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें होके आपके साथ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9th ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम, कहाँ का टाइम? टाइम वाइम तो हो गया, अभी आपने मॉक टेस्ट देके आए ना, आप कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, लिखिए वहां पे, हम देखेंगे भी। अब देखो इसको करिए, अरे इसको तो देखो, इसको मैं यहाँ यहीं पे कर दूंगा। अगर आपको लिखना हो तो देखो, ये दशमलव से दशमलव कट गई, तो देखो कर भी कोशिश करो तो यहाँ पे देखिए 16 एकम 16 42 लिखा, 16 दुना 32 और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 15 बचा मतलब होता है, काटे इसको तो 3 5 15 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 4 12, ठीक, 14 2 28 उत्तर आया 28/5। पर आपको पता है जब भी 5 का भाग देना हो तो ऊपर 2 का गुणा कर दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 28 गुना 56 56 मतलब 5.6 लगाया उत्तर। बता जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना हो तो ऊपर की संख्या को डबल करके एक अंक का दशमलव लगा दो। जब भी किसी संख्या में 5 का भाग लगाना हो तो ऊपर की संख्या को डबल करके 2 का भाग दे दो, दशमलव लगा दो। देखो अगर आपको बोल दे कि 228 में 5 का भाग लगाना, मैं डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा 456, ये 45.6 हो गया साहब, हो गया। अगर आपको बोले कि 328 में 5 का भाग लगाना, मैं बोलूंगा 656 मतलब 65.6।
साहब चीजें कुछ तो करना पड़ेगी तैयार, नहीं तो क्या करोगे वो, इस प्रकार से। ठीक है, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? आनंद आ जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर तो आंखों में होना चाहिए, आंखों में। यहां देखो, 5 की घात 3 125 बटे में आ जाएंगे 4, और ये 4 की घात 2 है, तो ये देखो ये ऊपर ही रहेगा और ये बटे में रहेगा, तो 1 4 से 1 4 कट जाएगा, यहां बचेगा 125 में 4 का गुणा करें तो 500 में 199 जोड़े तो 699, और 699 कहां दिख रहा है? नन ऑफ दिस में। ये 699 है साहब उत्तर। प्रैक्टिस आपकी इतनी हाई होना चाहिए कि आप, अच्छा कॉन्फिडेंस भी ऐसा होना चाहिए कि डबल कभी देखो ना आप, और वह सब किससे आएगा? प्रैक्टिस से। कॉन्फिडेंस ऑलवेज जो गेन होता है वो प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास से होता है। एक आदमी जितना अभ्यास करेगा, वह जब भी उसकी बारी आएगी रियल टाइम की, तो उसके मन में कभी भी कमी नहीं आएगी आत्मविश्वास की। ठीक है, फिर से इसको देखो, यहाँ पे 5 की घात 3 4 4 से 1 4 कट के ये बटे में आ जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा, तो 1 4 कट जाएगा, 125 में 4 का गुणा किया तो 500 में 699 उत्तर। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीज़ें मैं समझा पाया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, बैंक की मैथ्स की जो तैयारी कर रहे हैं, देखो आपको मैं नाम ले रहा हूँ बैंक की क्योंकि आने वाली एग्जाम है, पर जो भी अगर रेलवे की तैयारी भी कर रहे होंगे, पुलिस की तैयारी भी कर रहे होंगे, और यहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी कर रहे हों, ये सब उनके लिए वरदान है। आज की तारीख में जब भी वो एसएससी की तैयारी करेंगे बहुत मजा आएगा उनको, क्यों? क्योंकि उनका कैलकुलेशन इतना फास्ट होगा। ठीक है, तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे कापी पेन लेके आ जाइए, 9 टैबलेट्स की एक क्लास मिलेगी जिसको आपको रोज आपको मिलेगी, और उससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक, उसके जस्ट बाद आपको 9:30 बजे आपको मैथ्स बाय, देखिए 9 टैबलेट्स की क्लास सब मैथ्स बाय मुकेश परिहार पे, वहां पे जाइए। देखिए अब 9:30 पे आपको मिलेगी क्या, 9:30 पे मिलेगा आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किसका मिलेगा? जो 10 बजे वाली क्लास है उसके लिए 5 या 7 मिनट का मॉक टेस्ट रहेगा, 10 क्वेश्चन का रहेगा, उसको आप करिए। उसमें जितने नंबर आते हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाके वीडियो देखना है, क्योंकि उसका सोल्यूशन हम नहीं दे रहे, हम सोल्यूशन इसका वीडियो है, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाए, ये वीडियो हो गया खत्म। और इसका PDF भी हम अवेलेबल करवा देंगे आपको हमारे ही उसमें मॉक टेस्ट में। ठीक है, मॉक टेस्ट के पास में एक और चीज़ है जो ई बुक वाली है, ई बुक वाले में करवा देंगे। देखो ये सारी चीज़ें अगर आपकी अवेलेबल होगी तो फिर बचा ही क्या साहब, मजा आ जाएगा ना आपको। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि सफलता के अंतिम पड़ाव तक हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।